आज भी धर्म के नाम पर बहुत सी एक्ट्रेसेस को बहुत सारी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है एज फार एज उनके क्लोदिंग, उनके आउटफिट और फैशन सेंस का जब वो ख्याल रखने की कोशिश करती हैं। जी हाँ, अगर मैं कुछ ऐसी एक्ट्रेसेस की बात करूं जो कि मुस्लिम धर्म को बिलोंग करती हैं, हमारी इंडस्ट्री की, खास तौर पर टीवी इंडस्ट्री की, तो कुछ एक्ट्रेसेस ऐसी हैं जो कि हर तरह के आउटफिट्स पहनना पसंद करती हैं और सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें पोस्ट करती हैं, उन्हें ट्रोल किया जाता है। तो वहीं कुछ और एक्ट्रेसेस हैं जो अपने धर्म का मान रखते हुए कुछ स्पेसिफिक तरह के कपड़े पहनना ही पसंद करती हैं और बोल्ड आउटफिट्स के लिए इनकार कर देती हैं, तो उन पर भी लोग सवाल उठाते हैं कि तुम्हारा धर्म तुम्हें क्यों रोक रहा है। अब कुछ ऐसे ही दो एक्ट्रेसेस का नाम फिर एक बार सामने आया है। चलिए आपको बताते हैं कि ये दोनों ही एक्ट्रेसेस मुस्लिम धर्म से होने के बाद किस तरह की ट्रोलिंग का सामना उन्हें करना पड़ता है और सवाल उठाए जाते हैं उनके फैशन सेंस पर, उनकी ड्रेसिंग पर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्म विंडो। मैं हूं नित्यांशी और लेकर आई हूं आपके लिए एक बड़ी खबर। तो यहां पर मैं बात कर रही हूं हिबा नवाब। हिबा नवाब को आप जीजा जी छत पर हैं और इस तरह के शोज में देख चुके हैं। और दूसरी मैं बात कर रही हूं कुंडली भाग्य फेम अंजुम फाखी की। अंजुम फाखी काफ़ी पॉपुलर हैं, साथ ही हिबा नवाब भी काफ़ी पॉपुलर हैं और दोनों ही काफ़ी समय से टीवी इंडस्ट्री में काम करती आई हैं। जहाँ एक तरफ मैं हिबा नवाब की बात करूँ तो हिबा नवाब एक मुसलमान परिवार से आती हैं और उनका ये कहना है कि मैं अपनी संस्कृति का मान रखते हुए ना ही मैं बोल्ड आउटफिट्स पहनना पसंद करती हूँ, ना ही अपने प्रोफेशन में मैं किसी भी तरह के बोल्ड सीन्स या इंटीमेट सीन्स को करना पसंद करती हूँ। मैं अपनी लिमिट्स बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ और ना ही मेरे परिवार खुश होंगे अगर मैं ऐसा कुछ करूँगी, ना ही मैं। वहीं दूसरी तरफ अंजुम फाखी की अगर मैं बात करूं तो अंजुम फाखी बहुत ही खुले मिजाज की, बोल्ड मिजाज की हैं। वो अक्सर सोशल मीडिया पर बिकिनी में, मोनोकनी में और काफ़ी अलग अलग आउटफिट्स में, बोल्ड आउटफिट्स में अपनी तस्वीरें जो हैं वो शेयर करती हैं और ऐसे में उन्हें जो है लोग उल्टी तरह से ट्रोल करते हैं। जिस तरह से हिबा पर उनके इस डिसीजन पर सवाल उठाए जाते हैं कि वो क्यों अपने धर्म के आड़ में आकर ये चीज़ें नहीं करती हैं, तो वही अंजुम फाखी जो कि बिंदास होकर सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें शेयर करती हैं बोल्ड आउटफिट्स में, उन पर लोग ये ट्रोल करते हैं कि आप क्यों इस तरह के कपड़े पहनती हैं, आप एक मुस्लिम हैं, आपको समझना चाहिए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो यहाँ पर जो दोगली बातें हैं जो हमारी ऑडियंस कर रही हैं, उनसे मेरा सवाल है कि अब आप मुझे बताइए कि कोई इंसान करे तो तकलीफ, ना करे तो तकलीफ, इस पर आप क्या कहेंगे? शेयर ज़रूर कीजिएगा।